हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 5 प्रो के एमआई रोम का गोकू पोर्ट 20.5.21 वीटा एंड्रॉयड 10 पोर्ट रोम के बारे में। तो यहाँ पे हमें क्या कुछ देखने मिलता है उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। कुछ न्यू फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, साथ साथ आपको यहाँ पे सुपर वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है और साथ साथ क्लियर स्पीकर नाम का एक फीचर मिल जाता है, उसको भी एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से आपको यूज़ करना है, क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दे ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ साथ हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं यहाँ पे अबाउट फोन में ऑल स्पेक्स के अंदर यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमें एंड्रॉयड 10 मिल जाता है, एंड्रॉयड 10 गोकू पोर्ट और सिक्योरिटी पैच 5/5/2020 की देखने को मिल जाती है। एमआई 12 का एमआई रोम गोकू 20.5.21 बीटा देखने को मिल जाता है। एक्सटेंडेड का कर्नल यहाँ पे यूज़ किया गया है। और बात करते हैं हमारे कंट्रोल सेंटर के, तो काफ़ी स्मूथ है और ये कुछ टॉगल्स हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एडिट सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, तो यहाँ पे ये काफ़ी स्मूथ हमें मिल जाता है। और साथ साथ नोटिफिकेशन पैनल हमारा कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। और वॉल्यूम पैनल की बात करें तो वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से मिलता है और साथ साथ यहाँ पे सारे वर्क फिक्स हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और पावर मेन्यू हमें नॉर्मल देखने को मिल जाता है। एंड रीसेंट की बात करें तो रीसेंट का जेस्चर तो काफ़ी कमाल यहाँ पे मिलता है एंड्रॉयड 10 में। बाकी यहाँ पे हमारा फ्लोटिंग विंडो भी देखने को जो है मिल जाता है, तो आप इसका भी यहाँ पे यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट हमारा जो कॉलिंग है तो जियो वोल्टी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। वीडियो कॉलिंग भी जो है हमारी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रही है। वाईफाई कॉलिंग है जो है आपकी काम नहीं करेगी यहाँ पे। और बात करते हैं यहाँ पे कैमरे की, तो MIUI का न्यू कैमरा ही देखने को हमें यहाँ पे मिलता है जिसमें वीडियो क्वालिटी आपको मिलने वाली 1080 60 FPS तक की। और फोटो की अगर हम बात करें तो फ्रंट फोटो पिक्चर साइज जो है 5 MP की ही रहेगी। और पोर्ट्रेट मोड का बैक फ्रंट हमारा यहाँ पे काम नहीं करता है, ये बग है अभी। और बाकी मोर के अंदर आपको वही लेआउट चेंज करने के लिए मिल जाता है। बाकी सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके अंदर कैमरा मोड्स मिल जाता है, कलर मिल जाता है और साथ साथ साउंड मिल जाता है जो कि कैप्चर करने के लिए आपको 4 साउंड यहाँ पे मिल जाते हैं। GCam की बात करें तो GCam अगर आप यूज़ करते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। GCam में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। और गैलरी की बात करें, गैलरी के अंदर आपको स्काई यहाँ पे दिया गया है लेकिन ये डाउनलोड यहाँ पे नहीं होता है, तो आप इसका यूज़ जो है यहाँ पे नहीं कर पाएंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। FM हमारा यहाँ पे वर्किंग है। और साथ साथ हमारे यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सिस्टम साउंड रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल इसी तरीके से। फ्रेम रेट जो है हमें यहाँ पे 60 FPS तक का मिल जाता है। और यहाँ पे हमारे सारे एप्लीकेशन लेटेस्ट हैं, साथ साथ सुपर वॉलपेपर आपको डिफॉल्ट यहाँ पे देखने को इस रोम में मिल जाता है जो कि होम आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर आप लोकेशन सेट कर सकते हो अनलॉक होने का, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। बाकी आप लोकेशन आप यहाँ चेंज भी कर सकते हो, तो यहाँ से कुछ आपको ये 3 लोकेशन जो है मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैं एक सेट करके यहाँ पे जो है आपको दिखा देता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे लॉक करके दिखाता हूँ तो किस तरीके से जो है ये आप देख सकते हो, बिल्कुल स्मूथ है यहाँ पे एनिमेशन, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं मिलती। और साथ साथ रेड प्लैनेट का भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप इसका भी जो है यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है, इसके भी इफेक्ट तो काफ़ी देख सकते हो यहाँ पे, कुछ इस तरीके आपको मिल जाएगा। एंड कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर बस है जो कि आपको चाइनीज़ मिलता है, तो इसको आप इंग्लिश कर सकते हैं बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आकर के चाइनीज़ कैलेंडर ऑफ़ कर देना, बस हो गया। बाकी सारे एप्लीकेशन आपको लेटेस्ट मिलते हैं। और प्ले स्टोर की बात करें तो प्ले स्टोर आपको यहाँ पे सर्टिस्फाइड मिल जाता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं बैंकिंग ऐप की, तो जीपे जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो आप इसका यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है बैंकिंग ऐप के जो काम नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा मूवी क्विक यहाँ पे जो मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ तो वो काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी, तो आप देख सकते हो ये काम नहीं करते। इसके लिए आपको रूट करके मैजिक से हाइड करके जो है यूज़ करना पड़ेगा जो काम नहीं करते। बाकी सेटिंग्स की बात करें तो कास्ट जो है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कास्ट हमें देखने को मिलता है तो बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ साथ हॉटस्पॉट जो है हमारा यहाँ पे, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। लॉक स्क्रीन सेटिंग्स की बात करें तो डबल टैप टू बैक मिल जाता है, डबल टैप टू लॉक स्क्रीन ऑन लॉन्चर, ऑलवेज शो नोटिफिकेशन, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे वॉलपेपर कर्सर मिल जाता है, क्लॉक फॉर्मेट आपको मिल जाता है, नीचे आपको शो चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है, ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑन कॉल मिल जाता है। रीडिंग मोड में आपको बग देखने को मिलता है जो कि एडजस्ट नहीं कर सकते, और ऑफ करने के बाद ये ऑफ नहीं होता है, तो ये आपको कलर पे यहाँ पे टैप करना तो काम ऑफ हो जाएगा और कलर हमारे जो है काम कर रहे हैं यहाँ पे। और
डार्क मोड हमारा जो है 2.0 वाला ही है। इंडिविजुअल ऐप भी आपको नीचे देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं एप्लीकेशन में। एंड न्यू MIUI फ़ॉन्ट जो है आपको इनेबल करने के बाद एक बार डिवाइस को रिबूट करना पड़ेगा तो अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार के अंदर चलते हैं तो हाइड नॉच देखने को मिल जाता है जो कि काम कर रहा है यहाँ पे। एंड नीचे आपको टॉगल्स की सेटिंग्स मिल जाती है, बाकी कलर नोटिफिकेशन आइकन मिल जाता है, यूज़ कंट्रोल सेंटर ऑन ऑफ के लिए मिल जाता है, बाकी यहाँ पे स्विच जेस्चर साइड नेम चेंज कर दिया गया, यहाँ पे स्विच जेस्चर साइड है जो कि आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को स्विच कर सकते हो इधर से उधर, तो ये चीज़ आपको मिल जाता है। बैटरी इंडिकेटर आपको 3 देखने को मिलता है, बाकी नीचे आपको स्टेटस बार आइकन मिल जाता है, यूज़ ओल्ड बैटरी आइकन, डुअल नेटवर्क आइकन, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारी है साउंड के अंदर, तो साउंड के अंदर अगर हम चलते हैं तो साउंड के अंदर आपको ये कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, चार्जिंग साउंड, लो बैटरी साउंड एंड नीचे आपको वाइब्रेट का ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी एडिशनल सेटिंग साउंड मिल जाते हैं। एंड साउंड इफेक्ट्स के अंदर आपका MI साउंड इनिटर जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसका यूज़ कर पाएंगे। एंड नोटिफिकेशन में आपको तो सेम ही मिलता है। होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन में आपको ये कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। जनरल के अंदर आपको ये कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आपको ऐप ड्रायर का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड वॉलपेपर्स की अगर हम बात करते हैं MIUI 12 के सारे वॉलपेपर्स आपको मिल जाते हैं, बाकी और एक्स्ट्रा भी वॉलपेपर आपको यहाँ पे मोर सिस्टम वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं MI रूम के जो वॉलपेपर्स हैं वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो थीम्स है, थीम्स की अगर हम बात करें, थीम्स के अंदर आपको iOS 13 का एक थीम देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त थीम है, तो इसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी फाइव मोर के अंदर अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे फिलहाल फॉन्ट तक ही देखने को मिलता है, आइकन का ऑप्शन अभी देखने को हमें नहीं मिलता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड MI अकाउंट के अंदर चलते हैं तो थीम कंपोनेंट्स हमें मिल जाता है, बूट एनिमेशन, बूट ऑडियो। एंड थीम लैब के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर, वॉलपेपर साइट्स एंड प्रोफाइल वीडियो देखने को हमें यहाँ पे मिल जाती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो फिंगरप्रिंट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, फेस अनलॉक भी बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर, फेस अनलॉक मैं यहाँ पे नहीं दिखाया था लेकिन फिंगरप्रिंट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। फिंगरप्रिंट जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करा, फेस अनलॉक मैं दिखाना भूल गया था लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से वो काम कर रहा था, ऐसा मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट अच्छे तरीके से जो है काम कर रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिल जाता है, बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाता है, अल्ट्रा बैटरी सेवर मिल जाता है, ये सारी चीज़ें जो है मिल जाती है। ऐप के अंदर आपको सारे सारे सेम ही मिलते हैं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाता है, लैंग्वेज के अंदर अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे ये कुछ लैंग्वेज है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्क्रीन जेस्चर जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। तो इंडिकेटर हाइट का भी मिल जाता है, बाकी बटन्स की बात करें तो बटन भी आपका नेविगेशन बटन भी जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है, तो इसका भी जो है आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जेस्चर जो है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है और काफ़ी स्मूथ भी है, आप यहीं से फ्लोटिंग विंडो पर भी डायरेक्ट जा सकते हो। एंड हमारा नोटिफिकेशन लाइट की बात करें तो नोटिफिकेशन लाइट भी हमारी वर्किंग है बिल्कुल ऐसे तरीके से, और यहाँ पे वो क्विक गोल मिल जाता है। नीचे अगर आप देखोगे तो क्लियर स्पीकर आपको देखने को मिलता है, तो इसका इससे होता क्या है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है तो फर्स्ट वाला जैसे कि बताया गया कि अगर आपके फ़ोन में नॉर्मली डस्ट होता है तो आप इसको एक बार ऑन कर दो, 30 सेकंड के लिए साउंड देगा तो आपका डस्ट जो नॉर्मली होता है क्लियर कर देता है। सेकंड में बताया गया कि अगर ज़्यादा डस्ट आपको लगता है आपके डिवाइस में तो आपको यहाँ पे 2 से 5 बार इसको यूज़ करना और अपने फ़ोन को सेक करना है, तो यहाँ पे साउंड एक इसके अंदर से साउंड और वॉल्यूम अपने फ़ोन का फुल रखना है, तो इसको साउंड इफेक्ट एक निकलता है उससे वाइब्रेट होता है आपके स्पीकर वाइब्रेट करता है, आपको सेक करना है इस पर अगर ज़्यादा आपको डस्ट रहता है आपके फ़ोन में, तो ये जो है आपको साउंड सुना देता हूँ। तो आप यहाँ पे साउंड सुन लिए होंगे, इस तरीके से साउंड आपको ये जो है मिल जाता है यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये यूज़ करना है। बाकी नीचे आपको नॉर्मली सेटिंग्स मिल जाती हैं। स्क्रीन टाइम की अगर हम बात करें तो स्क्रीन टाइम हमें यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है, एंड साथ साथ फोकस मोड भी हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन टाइम। एंड स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको वही सारे फीचर मिल जाते हैं, गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो एंड सेकंड स्पेस, लाइट मोड, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नीचे आपको गूगल अकाउंट सेटिंग्स मिल जाते हैं। एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 1,48,492 हमें यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है। पबजी की अगर हम बात करें तो पबजी के अंदर हमारा जो गेम टर्बो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और ग्राफिक की अगर हम बात करें तो ग्राफिक जो है हमारा यहाँ पे HD का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप यहाँ पे HD पे खेल पाओगे, तो मैं यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाला हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, आप अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे खेल पाओगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी दिक्कत फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा, अच्छे तरीके से जो है आपका जायरो हो गया, नॉर्मली दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे काम कर, तो आप अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे गेम भी खेल पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के।
तो ये सारी चीज़ें थी। क्लियर स्पीकर के बारे में भी आपको बिल्कुल बता दें किस तरीके से जो है यूज़ करना है, तो आपको फिलहाल डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट ज्वाइन होकर हमसे पूछ सकते हो। और यही सारी चीज़ें इस रोम में, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो हमारे टेलीग्राम में आके। बाकी इंस्टॉल आपको जैसे एंड्रॉइड 10 बाकी रोम इंस्टॉल कर रहे हो उसी तरीके से इंस्टॉल करना है। इसमें भी बिल्कुल रिकवरी और फॉक्स रिकवरी ऑफिशियल भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। तो उसमें मैं उसी से प्लस किया हूँ। बाकी आपको रिकवरी में जाना है, डॉल्विक सिस्टम डेटा वेंडर कैच इन सब को जो है क्लियर करके पांचों को, और रोम को डायरेक्ट फ्लश करके रिबूट कर लेना, बस इजी है बिल्कुल। अगर आपको रूट करना तो मैजिक फ्लश करके रूट कर सकते हो। तो बस यही सारी चीज़ थी इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।